अल्मोड़ा शहर की यातायात समस्या से शहरवासियों को निजात नहीं मिल पा रही है। दरअसल अल्मोड़ा के लोअर मॉल रोड से धारानौला तक टनल निर्माण का कार्य होना था, जिस पर शासन सुध नहीं ले रहा है। हालांकि टनल निर्माण कार्य के लिए 50,000 का खर्चा कर भौतिक परीक्षण किया जा चुका है। मामले पर आला अधिकारियों का कहना है कि शासन से निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। पहले फिजिबिलिटी टेस्ट कराई गई थी, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई थी, लगभग 50 लाख रुपए उसका कॉस्ट आया था। उसके बाद फिर जो है DPR गठन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया गया था, जिसमें 3 बिडर पास हो गए थे, लेकिन उसके जो टेंटेटिव कॉस्ट हम लोगों ने वर्कआउट किया था मुआवजा वितरण और DPR बनाने के लिए, वो करीब 29 करोड़ की थी। तो वह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी स्वीकृति अपेक्षित है और इस संबंध में 1-2 बार रिमाइंडर भी भेजे गए हैं। जब एक बार स्वीकृति कुछ मिल जाएगी उसके बाद ही हम फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगेंगे और फिर DPR गठन की कार्रवाई होगी, अतः फिर निर्माण की। तो अभी कार्रवाई काफी करीब 1195 मीटर बनने वाली टनल के लिए 29 करोड़ की DPR शासन को भेजी गई है, लेकिन टनल निर्माण कब शुरू होगा ये बस सवाल बनकर रह गया है। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।